वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय यानी कि VBSV जौनपुर से चाहे आप BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, BCom कर रहे हैं, MA कर रहे हैं, MSc कर रहे हैं, MCom कर रहे हैं, फिर चाहे आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या फिर थर्ड ईयर हो, सभी स्टूडेंट्स कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखेंगे। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से आपको हर यूनिवर्सिटी का अपडेट, इसके अलावा टैबलेट स्मार्टफोन योजना का अपडेट लगातार मिल रहा है, आगे भी आपको मिलता रहेगा। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे आप लोग ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में सारी जानकारी को देखते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बड़ा बदलाव हो सकता है और अभी हुआ नहीं है, ठीक है, ध्यान से देखें। देखिए इसमें क्या लिखा है, पूर्वांचल विश्वविद्यालय से संबंध विभिन्न जनपद के महाविद्यालयों में स्नातक, स्नातकोत्तर व सभी विषयों की सेमेस्टर परीक्षा सुबह 7:30 से 10:30 बजे व 2:30 से 5:30 बजे के बीच चल रही थी। यह आप सभी लोगों को पता है, इससे छात्रों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, लेकिन पूर्वांचल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक VN सिंह ने पिछले सप्ताह पत्र जारी करते हुए कहा कि 27 अप्रैल से होने वाली सभी परीक्षाएँ जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 बजे से 12 बजे तक हो गया है, ये आप सभी लोगों को पता होगा। और द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वो सेम, तो यहाँ पर देखिए और समझिए इस बात को कि अभी जो चेंजिंग हुआ है उसमें फिर से बड़ा दिक्कत हो रहा है, और जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत सही बात है, तापमान बहुत बढ़ गया है और इससे सभी को परेशानी हो रहा है, चाहे वो छात्र हों या फिर जो शिक्षक ड्यूटी कर रहे हैं, सबके लिए दिक्कत की बात है। जब 2:30 बजे वाली परीक्षा में इतना दिक्कत हो रहा है तो इस परीक्षा में तो बिल्कुल ही होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए कि शिक्षक संघ ने कुलपति को सौंपा ज्ञापन, तो यहाँ पर देखिए फिर से बदलाव हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। और इसमें देखिए UG PG सेमेस्टर परीक्षा और इससे वार्षिक वालों का भी जो चल रहा है, परिवर्तन किए जाने से नाराज हैं जो वहाँ के शिक्षक हैं, जितने भी वो नाराज़ हैं। और इसमें शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर विवेक पांडे ने कुलपति प्रोफेसर निर्मला इसमौर को ज्ञापन देते हुए परीक्षा में समय सारणीपुर की बात किए जाने की मांग किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि परीक्षा की जो समय सारणी यानी कि जो समय है, सुबह 7:30 बजे से जो परीक्षाएँ होती थी वही फिर से मांग किया गया है। अब देखते हैं निर्मला जो आपकी कुलपति हैं इसमौर, वो क्या फैसला लेती हैं, परीक्षा को पुराने पैटर्न पर लाएंगे या ऐसे ही चलेगा। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा सबसे पहले जानकारी दूंगा, अभी तक तो फिलहाल कोई बदलाव नहीं है, जैसे चल रहा है 9 बजे से वैसे चलता रहेगा और 2:30 बजे वालों का 2:30 बजे से, बदलाव हो सकता है, जैसे होगा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो के साथ।